Good morning, kids. Good morning, sir. How are you? I'm fine, thank you. हमारे पास जो पहला चैप्टर है हमारा क्या है बिल्डिंग विद ब्रिक्स. ब्रिक्स मतलब ईंटें. वेरी गुड. बिल्डिंग विद ब्रिक्स मतलब ईंटों से हमने क्या करना है, कुछ बनाना है. ईंटों से हम क्या बनाते हैं? घर, दीवारें, कई सारी चीजें बनाते हैं ईंटों से. ठीक है, अब देखो. ब्रिक पैटर्न्स विद जागृति स्कूल. दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल. अब देखो, वो बोल रहे हैं कि जो ये स्टोरी है, जो हम कहानी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो किसी जागृति स्कूल की है. मतलब स्कूल का नाम क्या है? जागृति स्कूल. हमारे स्कूल का नाम क्या है? हमारा GMPS गंगा भोकुर. वैसे किसी स्कूल का नाम है जागृति स्कूल. और जो ये स्कूल है वो है मुर्शिदाबाद में, जो कि कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, मतलब पश्चिम बंगाल में है ये स्कूल. ठीक है. When its building was being made, there was a plan to make brick patterns on the floor and walls. वो बोल रहे हैं कि जब ये स्कूल बनाया गया था तो उस समय दीवारों पे और जो जमीन है मतलब फ्लोर है, फ्लोर पे क्या होते थे? ईंटों से क्या बनाए जाते थे? पैटर्न. ठीक है, ईंटों से क्या बनाते थे वो? पैटर्न्स. जमाल, कालू एंड पियार वर द मैसन्स फॉर द ब्रिक वर्क. अब ये जो तीन लोग थे, जमाल, कालू और पियार, ये तीन क्या थे? मजदूर थे जो कि इस काम को करते थे. दे वॉन्टेड टू गेट न्यू आइडियाज फॉर द स्कूल बिल्डिंग. वो क्या करते थे, और उन्हें स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए क्या होते थे? नए नए आइडियाज की जरूरत पड़ती थी. सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स टू सी द ओल्ड टॉम्ब ऑफ मुर्शिद कुली खान. तो उस इसको करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो कहाँ गए? अपने दोस्तों के साथ कहाँ गए? एक मजार पे गए, जो किसकी थी? मुर्शिद कुली खान की मजार पे वो इन पैटर्न्स को देखने के लिए गए. ठीक है, ये देखो यहाँ बने हुए कुछ पैटर्न्स. ये देखो, ये हैं पैटर्न्स, इनको बोलते हैं पैटर्न्स. जैसे हमारे हाथ में भी पैटर्न्स होते हैं, ये लाइंस होती हैं ना, पैटर्न्स होते हैं. हमारी देखो जो कमीजें हैं, कमीजों पे हमारे पैटर्न्स होते हैं. ठीक है, देखो ये टेबल है, इस टेबल पे कुछ पैटर्न्स हैं. ठीक है, द बिल्डिंग हैज़ अ बिग फ्लोर विद अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स. वो बोल रहे हैं जो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में लगभग 2000 मतलब 2000 क्या हैं? ब्रिक्स के पैटर्न्स हैं. These were made by masons long back about 300 years ago. और वो बोल रहे हैं कि जो ये patterns थे लगभग आज से लगभग 300 साल पहले मजदूरों ने क्या किए थे, ये patterns बनाए थे. Look how the bricks are arranged in these five floor patterns. अब देखो एक pattern तुमको ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है टू, ठीक है, एक ये दिख रहा है देखो थ्री, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है. सब अलग अलग टाइप के patterns है, ऐसे तुम भी बना सकते हो. जरूरी नहीं हमने ईंटों से ही बनाना है, हम किसी भी चीज़ से बना सकते हैं. हम पत्थरों से बना सकते हैं, हम पौधों से बना सकते हैं, पत्तों से बना सकते हैं. ठीक है, विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक मोस्ट. अब तुमको इसमें से सबसे अच्छा पैटर्न कौन सा लग रहा है? तीसरा, चौथा, पांचवा या ये पहले दूसरे में से कौन सा लग रहा है सबसे अच्छा? जो भी अच्छा लग रहा है बताओ, कौन सा वाला लग रहा है? एक बता दो कोई सा. हाँ, फोर. कौन सा वाला लग रहा है आप सबसे अच्छा? फोर. तो यहाँ पर हमने क्या भर देना है? फोर. Have you seen such patterns anywhere? इस टाइप के पैटर्न क्या तुमने कहीं और देखे हैं? घरों पे नहीं देखे अपने अपने पैटर्न्स? घरों में भी तो बने होते हैं ये दीवारों पे. ठीक है? द मैसन्स केम बैक एक्साइटेड. अब जब वो मजदूर वहां से देख के आए तो वो बहुत ही क्या थे? उत्साहित थे, एक्साइटेड थे. जमाल सेड, आह, इन दोज डेज दे हैड मेड सो मेनी इंटरेस्टिंग बिग पैटर्न्स, वी हैड फॉरगॉटन दीज, लेट अस मेक सम नाइस डिजाइन्स ऑन द फ्लोर ऑफ दिस स्कूल. तो वो बोल रहे कि ये जो पैटर्न्स थे ये बहुत पहले बनाए जाते थे और हम इन चीजों को क्या कर चुके हैं, अब भूल गए हैं. तो अब हम क्या करते हैं कि इस स्कूल में हम फिर से ऐसे ही पैटर्न्स को बनाते हैं. ईच मैशन मेड अ डिफरेंट ब्रिक पैटर्न. द स्कूल इज प्राउड टू हैव सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग. चिल्ड्रन प्ले एंड सिंग ऑन इट एंड ऑल्सो मेक न्यू पैटर्न्स देमसेल्व्स. तो अब क्या कर लिया उन मजदूरों ने, वो जो स्कूल की बिल्डिंग थी, उस स्कूल की बिल्डिंग में ऐसे ही बहुत ही सुंदर सुंदर क्या बना लिए? पैटर्न्स बना लिए. ठीक है, अब देखो ये है पैटर्न्स उस स्कूल में बना रखे उन्होंने जमीन पे. कई सारे तीन मजदूर थे तो तीन मजदूरों ने अलग अलग ढंग से अपने अपने क्या बनाए? पैटर्न्स बनाए. दिख रहे हैं ये? यस सर. अब देखो एक पैटर्न ये है, सी डी ई एफ जी एच आई, वैसे ही तुम भी बना सकते हो अपने अपने. ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना. विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्किल. वो बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो पैटर्न है वो सर्किल में बना हुआ है? वेरी गुड. कौन सा? जी. ठीक है, इन विच पैटर्न कैन यू सॉ मिरर हाफ्स ड्रॉ ए लाइन. अब वो बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी चीज, वो बोल रहे हैं कि मिरर हाफ में बनी हुई है. अब मिरर हाफ क्या होता है तुमको पहले ये देखना पड़ेगा. मिरर हाफ का मतलब होता है कि अगर हम इसके बीच में एक शीशा रख दें तो मतलब इधर की चीज और उधर की चीज एक जैसी दिखे. ठीक है, जैसे हमारा ये फोन है, मतलब मैं अगर इस बीच में एक फोन रख दूं, जैसे देखो ये है,
जैसे ये वाला है देखो, इसके सेंटर में अगर मैं ऐसे इसको रख दूं तो ऐसे दिख रहा है बिल्कुल, इधर से दिख रहा है, दिख रहा है ना बिल्कुल ऐसे ही। तो इसको बोलते हैं हम क्या, मिरर हाफ। अब देखो क्या इसमें ऐसा बन सकता है, बिल्कुल ऐसे ही बन रहा है ऐसे सेम, इसमें ऐसे बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें 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 भी देखो ध्यान से देखो, बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है, इसमें भी बन रहा है। ठीक है देखो जहां जहां पर बिल्कुल, एक तो देखो इसमें बिल्कुल क्लियर बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, इसमें देखो बिल्डिंग, इसमें क्या है ये जो ईंटें इन्होंने क्या रखी हुई है, थोड़ी सी टेढ़ी रखी हुई है, तो जहां पर टेढ़ी ईंटें रखी होंगी वहां पर क्या होगा, ऐसा पैटर्न बिल्कुल भी एग्जैक्टली नहीं बन पाएगा। आपको दिख रहा है कि वैसे बन रहा है लेकिन एग्जैक्टली नहीं बन पाएगा। इसमें भी देखो ईंटें टेढ़ी मेढ़ी रखी हुई है, नहीं बन पाएगा, इसमें भी नहीं बन पाएगा, इसमें भी देखो बिल्कुल अगर सेंटर में अगर हम रख दें, जरूरी नहीं ऐसे में देखना, ऐसे में भी देख सकते हो, देखो बिल्कुल वैसे बन रहा है, तो वैसे अगर बन रहा है तो ठीक है। ठीक है तो जो जो चीजें बन रही है वो आपने सब इसमें क्या करनी है, लिखनी है। आपने चेक करना, आप शीशा भी रख सकते हो उसकी जगह, मैंने फोन रखा ना, आप शीशा रख सकते हो, शीशा देख के आपको देखना है कौन से उसमें बन रहा है और कौन से उसमें नहीं बन रहा है, और वो सारा इसमें भर देना है। कर लोगे सब, कर लोगे।